अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की नई वीडियो में हम ओप्पो A3s वगैरह जो भी कॉलकॉम की न्यू अपडेट आई तो काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन काफ़ी दोस्तों के जो फॉलोअर हैं हमारे उनका कमेंट था कि ओप्पो A3s या ओप्पो A5 इन पे या रेडमी C2 इनकी जो अनलॉक रूल या UMP चमेरा में जो अपडेट आई है तो इसको EDL पर कैसे लेके जाना है। तो सबसे पहले आपने पावर ऑफ कर लेना है फ़ोन को और वॉल्यूम डाउन से इसको रिकवरी मोड पे लेके जाना है, ठीक है। जैसा कि हमने वॉल्यूम डाउन प्रेस किया, पावर प्रेस किया और सेट ऑन हो गया, उसके बाद हमने पावर बटन को छोड़ दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये रिकवरी मोड पे आ चुका है। यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं वर्जन 1.2। यहाँ पर आपने 4 से 5 दफ़ा टाइप करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं लेकिन ADP इसका जो EDL पोर्ट है वो नहीं बन रही। तो सबसे पहले आपको बताते हैं, आपने सिस्टम पे जो है अपना डिवाइस मैनेजर ओपन करना है और USB केबल को इसके साथ कनेक्ट कर देना, ठीक है। जैसा कि हमने USB केबल को कर दिया कनेक्ट, तो आप देख सकते हैं ये कनेक्ट हो गई, लेकिन अभी तक कोई पोर्ट शो नहीं हुई, चार्जिंग ऊपर शो हो रहा है। तो यहाँ से हमने डिवाइस मैनेजर को कर लेना ओपन, ठीक है। डिवाइस मैनेजर में हमने पोर्ट्स को ओपन करना है और यहाँ पर हमारी पोर्ट शो होगी, ठीक है। तो अब दोबारा से हम यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे हमने टाइप किया ये ओके का ऑप्शन आ गया, ओके किया, उसके बाद केवल सही यहाँ डिवाइस मैनेजर में आप देख सकते हैं हमारी जो EDL पोर्ट है वो शो हो चुकी है कॉलकॉम, ठीक है, 9008। तो अब हमें सिंपल अपना मॉडल जो है वो अनलॉक रूल में सर्च करना है, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पर ओप्पो ब्रांड सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद हमारा मॉडल है A3s, हमने A3s सर्च करना है और हमारा जो भी मॉडल है वो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो हमारा जो मॉडल है वो ये वाला है, तो इसको सेलेक्ट करके फैक्ट्री रीसेट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने फैक्ट्री रीसेट पर क्लिक किया तो फ़ोन हमारा जो है वो कनेक्टेड है और आप देख सकते हैं ये बूट होना स्टार्ट हो चुका है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहले इसको ISP पिन आउट से हमें करना पड़ता था। अपडेट तो लेट आई है, लेकिन फिर भी मार्केट में कुछ ना कुछ अभी सेट ये अनलॉकिंग के लिए आते हैं, तो आप इसको अनलॉक कर सकते हैं वन क्लिक से अनलॉक टूल से। तो फ़ोन हमारा जो है वो रीस्टार्ट हो चुका है, ऑन हो रहा है, FRP और यूज़र डाटा इसका फॉर्मेट हो चुका है सक्सेसफुली। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको अनलॉक टूल रेंट पे चाहिए हो तो हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं, या कोई भी टूल आपको रेंट पे चाहिए हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो फ़ोन हमारा जो है वो वाइप हो चुका है, उसके बाद फ़ोन हो रहा है ऑन, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करेंगे ताकि आप दोस्तों का जो वक्त है वो ज़ाया ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे चैनल पे ऐसी ही अपडेट्स आती रहती हैं, तो हमारे चैनल को फॉलो और लाइक कर लें, ठीक है। यहाँ पे हमने अपनी लैंग्वेज वगैरह को सिलेक्ट करना है, उसके बाद हमने नेक्स्ट के बटन को दबा देना है, ठीक है। जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे, ठीक है, तो आगे हमने चले जाना है, ठीक है। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है और स्किप का ऑप्शन आ चुका है। FRP भी इसकी हमने अनलॉक टूल साथ ही कर देता है जब हम फैक्ट्री रीसेट करते हैं, ठीक है। तो फिर भी अगर FRP हो तो आप FRP के ऑप्शन पर जाके FRP भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट जो है हमारा वो अल्हम्दुलिल्लाह अनलॉक हो चुका है। तो इसको सेटिंग में जाके आपको दिखा देते हैं कि ये मॉडल कौन सा है, ठीक है। तो ये अबाउट फ़ोन ओपन किया,
ये ओप्पो A3S ठीक है, आप देख सकते हैं।